हेलो स्टूडेंट्स दिस इज मंसूर मुस्तफ़ा इन दिस वीडियो सम ऑफ द द जनरल प्रॉपर्टीज लेक्चर वन में हमने ये डिस्कस किया था कि ये वेव्स क्या होती हैं वेव्स के डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए थे नाउ इन दिस लेक्स अबाउटीज ऑफ द वेव्स

अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम वाटर वेव्स को ही क्यों फोकस करें बिकॉज वेव्स तो बहुत सारी होती है ना इसका आंसर आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि हम वाटर वेव्स के यहाँ पे फो ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं नाउ वन मोर थिंग कि इन दिस लेक्चर जो हम वाटर वेव वाटर वेव्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे यूजिंग ए डिवाइस यूजिंग अः इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड अ रिपल टैंक तो पहले तो हम ये देख लेते हैं ये रिपल टैंक होता क्या है

तो उसका रिजल्ट ये होता है कि उस वाटर uh, वॉटर का शेडो क्रिएट होता है और शेडो को शेडो uh, से ही हम वॉटर की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ उनको स्टडी करते हैं नाउ दिस दिस इज़ हाउ रिपल टैंक लुक्स लाइक देखिए ये जो है दिस इज अ ग्लास सरफेस या आप ये कह लें कि आपके पास एक टैंक है विच इज फिल्ड विद वाटर इसके ऊपर दिस इज द लाइट सोर्स ये लाइट सोर्स का काम ही होगा इट प्रोड्यूस लाइट अब ये लाइट जब इस वाटर से पास करेगी तो वाटर भी ट्रांसपेरेंट है और ये जो टैंक है दैट इज आल्सो मेड ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल तो इससे क्या होगा कि ये जो वाटर वेव्स हैं इनकी रिफ्लेक्शन जनरेट होगी और इस रिफ्लेक्शन को हम ऑब्जर्व करेंगे paper, this, uh, तो इस ऑन दिस पेपर विच इज प्लेस्ड बिलो दिस टैंक तो इससे हमें डिफरेंट uh, वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अंडरस्टैंड करने में आसानी Now, पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इस रिपल टैंक के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से उनका फंक्शन क्या है अब देखिये रिपल टैंक का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि इट प्रोड्यूस इन द वाटर ठीक है ना जो भी वाटर इस टैंक में होता है उसमें वेव जनरेट होते हैं अब उन वेव्स जनरेट करने के लिए वी हैवुड बार इस बार का काम यह होता है कि जब ये सरफेस को वॉटर की सरफेस को टच करती है तो इट प्रोड्यूसिस वॉटर लाइक दिस वन ठीक है ना अब देखें ये जो वुडेन बार है जब यह कंटिन्यूसली इस वाटर सरफेस को टच करती रहेगी तो इट विल जनरेट देश इसके अलावा ये जो वुड इन बार होती है ये अपड डाउन कंटिन्यूसली मूव करती रहती है और मूव करने का रिजल्ट यह होता है कि दीज इक्वल स्पेस्ट या आप ये कह के लें कि प्लेन वेव आर जनरेटेड ये तो होगी प्लेन वेव अब जरूरी नहीं होता कि हमेशा हमें प्लेन वेव ही रिक्वायर्ड हो हमें उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना हो हमें डिफरेंट पैटर्न की वेव्स होती काम क्या होता है ये भी वॉटर कंटिन्यूसली डिस्टर्ब करते रहते हैं तो इनके डिस्टर्बेंस की वजह से दीज सर्कुलर वेव्स आर क्रिएटेड अब देखे ना आप वेव हमने जब फर्स्ट लेक्चर में वेव को डिस्क्राइब किया था तब हमने बताया था कि वेव डिस्टरबेंस मीडियम। तो यहाँ पर जो हमारा मीडियम है वाटर है तो वाटर को डिस्टर्ब करने के लिए या तो हम प्लेन जो ये बार है वुडन बार ये, ये यूज कर सकते हैं या फिर ये जो स्फेरिकल डेपर्स हैं ये यूज कर सकते हैं अगर हमने प्लेन वेव जनरेट करवानी है तो हम बार यूज करेंगे अगर हमने इस वाटर के अंदर स्फेरिकल वेव जनरेट करवानी है तो वी हैव टू यूज़ दिस डिपर्स। ठीक हो गया। चलें। अब हम आते हैं कि कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज हैं, जो कि हम स्टडी कर सकते हैं यूजिंग द रिपल टैंक्स, ठीक है ना नाउ अगेन कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन कि जब हम वाटर की प्रॉपर्टीज की बात करें देखिए ना फर्स्ट लेक्चर uh, में हमने जितनी भी वेव्स थी उनकी जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था टॉपिक यही है हमारा जनरल वेव प्रॉपर्टीज तो अब देखते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हमारा फोकस सिर्फ वाटर वेव्स के ऊपर ही क्यों है तो उसके रीजन ये कि वाटर वेव्स कैन इजीली बी सीन ये विजिबल होती हैं ठीक है ना एज कम्पेयर टू अदर रेस तो इनकी विजिबिलिटी की वजह से आ, हम इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को इजीली देख सकते हैं इजीली हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं नाउ रिमेंबर वन थिंग कि जो वेव्स होती हैं उन सब की प्रॉपर्टी सेम होती है मतलब चाहे वो वाटर वेव्स हो चाहे लाइट वेव्स हो चाहे आ, कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो साउंड वेव्स हो तो दे सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज तो so, जो जो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर वाटर वेव्स के लिए स्टडी करेंगे रिमेंबर दिस थिंग दीज प्रॉपर्टीज आर नॉट ओनली फॉर द वॉटर वेव बट जितनी भी वेव्स हैं आ, उन सब के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज सॉरी एप्लीकेबल होंगी ठीक है ना चले हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव अब देखिये रिफ्लेक्शन तब होती है जब कोई भी वेव किसी ऐसे सरफेस से किसी ऐसे बेरियर से टकराती है जहां से वो फर्दर पास ना हो पाए तो उस आ, आ, मतलब उस बैरियर से टकराने का रिजल्ट ही होता है कि वहाँ से वेव बाउंस बैक होती है अब वो वेव कुछ भी हो सकती है वो कोई सी भी वेव हो सकती है मीन्स के वो वाटर वेव भी हो सकती है वो साउंड वेव भी हो सकती है वो लाइट वेव भी हो सकती है या कोई और भी वेव हो सकती है तो जब भी वेव किसी ऐसे मीडियम से टकराएगी जहां से वो फर्दर पास ना हो पाए तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक तो अब हम देखते हैं कि अगर रिपल टैंक पे हमने रिफ्लेक्शन जनरेट करवानी हो वाटर वेव्स की तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा रिपल टैंक में तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू आपने आपने रिपल टैंक के अंदर कोई भी मेटालिक बैरियर प्लेस कर देना like है लाइक दिस वन अब ये बैरियर जरूरी नहीं कि आप इस तरह प्लेस करें आप किसी भी डायरेक्शन में इसको प्लेस कर सकते हैं तो जब आप ये बैरियर प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली वाटर कैन नॉट पास फ्रॉम दिस बैरियर तो डेफिनेटली वाटर विल बाउंस बैक

कि फॉर एग्जांपल दीज आर द इंसीडेंट रेस व्हिच आर कमिंग टुवर्ड्स द बैरियर तो जहां पर ये इंसीडेंट वेव आके इस बैरियर से टकराती हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसीडेंस ठीक है ना पॉइंट ऑफ इंसीडेंस इंसीडेंस का मतलब ये होता है जहां पर ये इंसिडेंट वेव आके टकराती है ठीक है ना तो आप आपने करना ये जहां पर भी ये इंसिडेंट वेव्स आके टकराएं जस्ट

आपने अब आप देखें ना यहां पर ये टकराई दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ की एक परपेंडिकुलर लाइन की जिसको जिसको आप कह रहे हैं नॉर्मल अब आपने करना ये है एफ्टर ड्राइंग द नॉर्मल जस्ट मेजर दिस एंगल कौन सा एंगल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंडलोर्टेंट के नॉर्मल से मेजर करना है नॉट फ्रॉम द इंसिडेंट रे टू द सर्फेस ठीक है ना अगर आप यहां से आपने मेजर कर लिया दैट विल बी इन करेक्ट ठीक है ना जो इंसिडेंट एंगल होता है दैट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सर्फेसम इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ठीक है ना तो आपने क्या किया इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान एक एंगल फाइंड कर लिया जो भी एंगल बन रहा है तो आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया थेटा आई या हम इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है ना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा मीन्स के लेट सपोज दीज आर इंसिडेंट थर्टी an so, डिग्रीशन होगी डिग्री मतलब इनकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो भी थर्टी डिग्री पर होगी लाइक दिस वन तो सिंपली आपने क्या करना है जितना इंसिडेंट एंगल है आपने रिफ्लेक्टेड एंगल भी उतना ही लेके देन यू विल सी इन विच डायरेक्शन दिस वे विल रिफ्लेक्ट

किस तरह से That means के ये ये हो गया आपके पर reflected है ये property है ठीक होती की की अब देखिए जब आप आ, water waves की बात करते हैं या किसी और वेव्स की बात करते हैं तो वेव्स दो तरह की हो सकती हैं एक होती है प्लेन वेव एक होती है स्फेरिकल वेव मोस्टली स्फेरिकल वेव वाटर में आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं

प्लेन वेव्स आर स्ट्राइकिंग विदेयर तो उनकी जो रिफ्लेक्शन होगी फॉर द प्लेन अब दूसरी वेव मोस्टली जब आप वाटर में कोई भी आप स्टोन uh, थ्रो करतेब्जेक्ट आप थ्रो करते हैं तो वाटर के अंदर दीस काइंडल वे जनरेट है ठीक है ना तो अब हम देखते हैं कि जब ये स्पेरिकल वेव्स वेव्स किसी बैरियर से टकराएंगी तो इनकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी तो फॉर दैट के दिस इज दर्किल अब अच्छा डिस्कसिंग दिस रिफ्लेक्शन के ये ये जो लाइन्स होती है दीज लाइन्स रिप्रेजेंट देव फ्रंट ठीक है ना ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इन लाइन्स को विच आर इन फेज इन लाइंस को हम कहते हैं वेव और इन वेव के दरमियान मीन्स के इन दो लाइंस के दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस होता है दिस डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स द वेवलेंथ ऑफ द वेव ठीक है ना तो ये आपने आपने चीज याद रखनी है बिकॉज समटाइम्स वाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन तो वहां पर आपको इस चीज की नीड हो सकती है चले, अब हम आते हैं के जो wave उनकी रिफ्लेक्शन कैसी होगी तो उसके लिए सिंपली आपने क्या कहना है के के तो आपने इनकी रिफ्लेक्शन ड्रॉ करने के लिए सिंपली आपने क्या कहना है जस्ट ड्रॉ रेप्लीफ वेव्स अब देखे ना सिंपली आपने क्या करना है लेना है तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है जस्ट मेजर द डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस के इस एक्चुअल जो सर्कुलर वेवस है से लेके बेरियर तक का कितना डिस्टेंस है जस्ट उसके बाद आपने ऑपोजिट साइड पे आपने उतने ही डिस्टेंस के साथ आपने जो रिफ्लेक्टेड वेवस है उनका आपने सर्कल ड्रॉ करना है मतलब उनका जो सेंटर है आपने उतना ही लेना है इसके बाद ये सेंटर लेने के बाद जस्ट दीज लाइन्स टू दैट पॉइंट ये तो बेरियर के उस तरफ है डेफिनेटली वेव्स रिफ्लेक्ट होकर बेरियर के, के दूसरी तरफ तो जाएगी नहीं तो इसका मतलब है आपने सर्किट सर्किल को कंप्लीट करते जाना है नाउ यू विल सी दीज लाइंस ये जो लाइंस हैं

होती है, ना? वैसे जो रिफ्रेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो uh, थोड़ा सा ऐसे जब हम लाइट की बात करते हैं तो रिफ्रेक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो वो हम इनशाला डिस्कस करेंगे जब हम लाइट वाले चैप्टर पे आएंगे सो फॉर्थ नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि यहां पर रिफ्रैक्शन तब अ करोगी वाटर वेव्स के अंदर जब वाटर की जो डेप्थ है मतलब जिस सरफेस पे वाटर फ्लो, फ्लो कर रहा है जहां पे वाटर के अंदर वेव्स जनरेट हो रही है उस सरफेस की डेप्थ चेंज होने से वाटर के अंदर रिफ्रेक्शन जनरेट होती है तो पहले तो हम देख लेते हैं रिफ्रेक्शन जनरेट होगी तो उस रिफ्रेक्शन की आ, मतलब इफेक्ट क्या होगा तो आप देखें जब वाटर डीप से शेलो या शेलो से डीप रीजन में आता है तो उसकी वेब लेंथ और स्पीड ऑफ द वेव ठीक है ना देंथ एंड स्पीड ऑफ द वेव चेंज हो जाती है अब यही सेम प्रॉपर्टी रिफ्रेक्शन बाकी वेव्स के लिए भी होंगी लेकिन लाइट के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसलिए लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब उसकी रिफ्रेक्शन होती है यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि अगर वाटर डीप से शेलो रीजन या शेलो से डीप रीजन में जा रहे हैं तो उसकी रिफ्रेक्शन उसमें रिफ्रेक्शन और रिफ्रेक्शन का रिजल्ट ये होगा कि उन वेव्स की वेवलेंथ और वेव स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी कैसे चेंज होगी यू कैन सी के देखे ना जस्ट कंसीडर के ये आपके पास डीप रीजन है यहाँ पे यहां से ये प्लेन वाटर वेव ट्रेवल है।, कर, है अब यहां पर अगर आप कंपेयर करें This line, ये अभी अभी मैंने आपको बताया कि वेव uh, 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 लेंथ ये वेवल देखिये जब वॉटर डीप से ट्रेवल कर रहा है तो आप देखें इनकी जो वेवलेंथ है या जो स्पेसिंग बिटवीन दीज वे वो कम हो रही है तो स्पेसिंग कम होने का मतलब ये हो रहा है कि जब वॉटर शेलो रीजन में मूव कर रहा है फ्रॉम डीप टू शेलो तो उसकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो गई फिर दोबारा जब वो डीप में आ रहा है तो दोबारा आप देखें जो उसकी ओरिजिनल वेवलेंथ थी जो कि यहाँ पर थी वही वेवलेंथ कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा आ, अच्छा दूसरी बात ये कि देखें ये इक्वेशन हमने वेव इक्वेशन डिस्कस की थी v इक्वल टू फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ जिसको हम वेव इक्वेशन कह रहे हैं अब थोड़ा सा हम इस वेव इक्वेशन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो देखिये ये इक्वेशन हमें ये बताती है अगर हम रिलेशनशिप फाइंड करें इन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द वेव या स्पीड ऑफ द वेव एंड द वेव लेंथ ऑफ द वेव ठीक है ना तो वी कैन क्लियरली सी के स्पीड ऑफ द वेव या वेलोसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव लेंथ इसका मतलब होगा अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है जो कि हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब शेलो वाटर में शेलो आ, आ, डीप से शेलो में वाटर ट्रेवल कर रहे हैं शेलो रीजन में तो उसकी वेवलेंथ कम हो रही है तो ये वेवलेंथ कम हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी वेव स्पीड भी कम होगी लेकिन कीप दिस थिंग कि जब ये रिफ्रेक्शन अक्कर होती है तो वेवलेंथ के डिक्रीज होने से वेव स्पीड भी डिक्रीज होती है बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव रिमेंस कांस्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज फॉर द ऑल वेव्स चाहे वो वाटर वेव्स हो चाहे लाइट वेव्स हो चाहे साउंड वेव्स हो चाहे कोई भी वेव्स uh, हो अगर उनमें रिफ्रैक्शन अगर होती है तो रिफ्रैक्शन का रिजल्ट ये होता है कि उसकी वेवलेंथ और वेव स्पीड में चेंज आता है और लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है तो यहां पर भी यही होगा कि वेवलेंथ लेंथ शॉर्टर हो जाएगी वेवलेंथ के शॉर्टर होने के रिजल्ट ये होगा शेलो रीजन में कि उसकी वेव स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी बट द फ्रीक्वेंसी एट विच वेव्स आर ट्रेवलिंग दैट विल रिमेन सेम मतलब जो नंबर ऑफ वेव्स इन पर्टिकुलर सेकंड होगा वो सेम ठीक हो गया ये था रिफ्रेक्शन अब आते हैं कि ये जो रिफ्रेक्शन है अगर ये इस तरह से मीन्स के इस केस के अंदर जो प्रीवियस केस था यहां पर तो ये था कि जो बैरियर आप ये कह लें कि जो शेलो और डीप रीजन का जो बैरियर है वो उससे वॉल्स वेव्स परपेंडिकुलरली टकरा रही हैं। या आप कह लें कि वो बिल्कुल प्लेन सरफेस लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये बेरियर इस तरह से हो कि इफ दीज वेवस आर नॉट स्ट्राइकिंग पैरल टू द बेरियर या परपेंडिकुलर टू दर तो केस में क्या होगा तो यहाँ पर जब वेवस डीजन में ट्रेवल करेंगी एक तो उनकी होगी हो दूसरी बात यह होगी कि इनकी जो डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट हैेंज होगी अब देखें ये वेव्स है फॉर एग्जाम्पल हम इस वाले वेव फ्र लेते हैं हम ड्रॉ करते हैं इसका नॉर्मल जब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल विल Look like this. ना? ऐसे हो जाएगा बिकॉज नॉर्मलर टू दर्फेस का परपेंडिकिंग फ्रॉम डीप रीजन टू शैलो रीजन दे विल नॉर्मल मतलब ये क्या होगा नॉर्मल की तरफ अप्रोच करेंगे आप देखिए ना ओरिजिनल डायरेक्शन की यह वाली थी लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद दे आर मूविंग टूअर्ड्सिंग दर्मल ठीक है ना तो अगेन इंपॉर्टेंट जब वॉटर वे डीप से शेलो रीजन में मूव करती है तो दे बैंड उनकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ हो जाती है टूअर्ड्स द नॉर्मल और उसके साथ उसकी वेवल थोड़ी स्पीड भी रिड्यूस हो जाती है सेम वे

इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर रिफ्रैक्शन या आफ्टर पासिंग फ्रॉम द शैलोअर टू द डीपर रीजन एक तो उनकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी ठीक है ना ये स्पेसिंग इंक्रीज होने का मतलब वेवलेंथ इंक्रीज हुई अलोंग विद दैट दे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल अब यहाँ पर क्या था ये नॉर्मल से दूर मूव करेंगी ठीक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूजन होती है कि कहां पर मतलब कौन सी कंडीशन में वो द नॉर्मल बेंड करेंगी कौन सी कंडीशन में अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो इसको आपने अच्छी तरह समझना है कि अगर डीप से शेलो में आएंगी द नॉर्मल शेलो से डीप में जाएंगी अवे फ्रॉम फ्रमल तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रिफ्लेक्शन चलिए okay. दिस इज एन अधर एग्जाम्पल बिल्कुल वही रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है कि अगर आपने यहाँ पे कोई ग्लास शीट प्लेस कर दी इन रिपल टैंक तो उससे क्या होगा यहाँ पर वाटर जो होगा शेलो हो गया ठीक है ना इसकी डेप्थ कम हो गई तो डेप्थ कम होने का रिजल्ट सिंपली ये होगा उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी और दे विल बेंड टूअर्ड्स सन चलिए दिस इज द पॉइंट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड कि जब भी कोई वाटर वेव शेलो से डीप या डीप से शेलो में ट्रैवल करेगी उसकी वेवलेंथ और वेव स्पीड चेंज हो जाएगी चेंज होने का मतलब यह कि अगर डीप से शेलो में जाएगी डिक्रीज होगी शेलो से डीप में जाएगी तो इंक्रीज होगी बट जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव है दैट रिमेन्स सेम वेदर इट इज मूविंग इन द डीपर रीजन और शेलोअर रीजन तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा वो सेम रहेगी चले अब हम बात करते हैं देर इज एन अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वेव विच इज कॉल्ड द डाइफ्रेक्शन ऑफ द वेव डाइफ्रेक्शन कब अकर होती है कि फॉर एग्जाम्पल दिस प्लेन वेव्स आर ट्रेवलिंगलीहर सी बात है जब यह ओपनिंग होगी तो यह वेव इस ओपनिंग में से पास होंगी तो पास होने का रिजल्ट यह होता है कि इन वेव का जो शेप है प्रीवियसली इट वॉज अ प्लेन वेव ठीक है ना आप देखे ना प्लेन वेव है लेकिन जब इस गैप से ये वेव्स पास करेंगी आफ्टर पासिंग फ्रॉम द गैप दे दे विल विल राउंड बिकमिंग द राउंडेड शेप ठीक है मतलब उनका जो शेप होगा अब वो राउंडेड होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें वेव किसी भी uh, uh, मतलब नैरो स्पेस से पास होके राउंडेड शेप ले लेती है दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डायफ्रेक्शन ऑफ द वेव्स अब ये जो डायफ्रेक्शन होती है ये डिपेंड करती है मतलब इनका जो वेव का प्लेन वेव का कर्व में कन्वर्ट होना है स्फेरिकल वेव्स में कन्वर्ट होना है वो डिपेंड करता है इस ये जो ओपनिंग है इसके साइज के ऊपर अब इस गैप को जितना नैरो रखेंगे जितना छोटा रखेंगे वेव्स उतनी ज्यादा स्फेरिकल या सर्कुलर मतलब इसके जो कर्व्स हैं उतने ज्यादा शार्प होते जाएंगे जैसे जैसे आप इस गैप को इंक्रीज करते जाएंगे वेव्स विल Uh, <coughs> उनके जो कार्व है दैट विल रिड्यूस मतलब वो प्लेन वेव की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे तो फाइनली अगर आप बिल्कुल हटा दें तो ये प्लेन वेव जनरेट हो जाएगी तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें वेव किसी नैरो ओपनिंग से पास होके कर्व शेप ले लेती है दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डाइफ्रेक्शन ऑफ द वेव चले अब आते हैं देयर इज एन अदर प्रॉपर्टी ऑफ द वेव जिसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस नाउ अगेन थिंग कि अभी अभी कंटिन्यूसली आई एम टेलिंग यू कि ये जो जितनी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं दीज आर नॉट ओनली फॉर वेव्स बट दे आर फॉर अब वो मतलब लाइट वेव के लिए भी हो सकती है साउंड वेव किसी भी वेव के लिए हो सकती है तो अब पहले तो थोड़ा हम देख लेते हैं इंटरफेरेंस का जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं उनसे देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कंपेयर करते हैं साउंड को तो देखिये अगर फॉर एग्जाम्पल uh, होता ये कोई कोई एक wave, कोई एक साउंड वे मतलब बात फॉर आप क्लास में बैठे हुए यू मेक ठीक है ना आप डिफरेंट तरह के साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो दैट इज मतलब एन इंटरफेरेंस ठीक है ना वो ये होता है कि अगर एक वेव जनरेट हो रही है उसके साथ देर इज एन अदर वेव विच ओवरलैप्स लाइक यू कैन सी कि एक वाटर वेव जनरेट हुई जिसका मतलब स्फेरिकल वाटर वेव जनरेट हुई इसके साथ देर इज एन अदर वाटर वेव

इंटरसेक्ट करेंगी मतलब इंटरफेयर करेंगी तो इन वेव्स को अगर आप कंपेयर करें तो जहां से फर्स्ट वेव स्टार्ट हो रही है सेकंड वेव भी वहीं से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब है इन वेव्स को हम कहते हैं वेव्स आर इन फेज ठीक है ना ये बिल्कुल इन फेज वेव्स है तो अब इनके जो वेव्स इनका जो इंटरफेरेंस का जो रिजल्ट होगा दैट विल प्रोड्यूस ए लार्जर वेव मतलब इनका जो इम्पैक्ट है वो लार्जर हो जाएगा कैसे लार्जर हो जाएगा फॉर uh, एग्जाम्पल आप इसको कंपेयर कि दीज़ आर द साउंड वेव्स होता ये आप जब मॉर्निंग uh, असेंबली में आप नेशनल एंथम पढ़ते हैं तो उस केस में क्या होता है मल्टीपल साउंड वेव्स आर जनरेटेड एट द सेम टाइम मतलब बहुत सारे मिस्टर्स मिलके एंथम uh, an, uh, पढ़ रहे होते हैं तो मतलब ये कि मल्टीपल रेजर मल्टीपल साउंड वेव्स जनरेटेड सेम टाइम लेकिन आप जब एंथम पढ़ रहे होते हैं का जो वॉइस होता है सब आप सेम uh, टाइम मतलब एक साथ पढ़ रहे होते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि ओवरऑल आपका जो वॉइस है बहुत ज्यादा लाउड होता है बहुत ज्यादा क्लियर होता है लेकिन लाउड होता है ठीक है ना तो इसका मतलब है जब ऐसी दो वेव्स विच आर इन फेस तो जब वो वेव्स वेवस इंटरफेयर करेंगी तो उनके इंटरफेरेंस का जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि ओवरऑल जो वेव्स ओवरऑल्पलीट है दैट विल बिकम डिपेंडिंग ऑन द द नंबर ऑफ ऑफ वेव्स ठीक है ना तो इस तरह का जो इंटरफेरेंस होती है दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब इंटरफेरेंस हो रही है वो वेव्स के एम्पलीटूड को कंस्ट्रक्ट कर इंक्रीज कर रही है ठीक है ना तो इस तरह के मतलब वेव्स को, तो को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो इसका रिजल्ट मतलब मतलब जिसको हम फेस कह रहे हैं फेज अगर स्टार्ट होता मतलब जैसे ही फेज आउट होना स्टार्ट हो जाएगा तो इन वेव्स की जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होवरऑल रिजल्ट है उनका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा नाउ जस्ट कंसिडर दीज टू वे कम्पलीटली आउट ऑफ फेस आप देखे ना ये वेब यहाँ से स्टार्ट हुई इसका क्रैस् आ रहा है उसी सेम पॉइंट पर तो से से नीचे जा रही है तो, तो, वे वे है, तो इसका रिजल्ट होता है दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ इच अथर ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है ओवरऑल वेव खत्म हो जाती है तो दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव मतलब ये इंटरफेरेंस क्या करती है ओवरऑल इंपैक्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है तो दिस इज द इंटरफेरेंस ऑफ द वेव अब वे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है नाउ दिस इज ऑल अबाउट टॉपिक फॉर द जनरल वेव प्रॉपर्टीज